वाराणसी में तंत्र मंत्र ज्योतिष का झांसा देकर महिला से टप्पेबाजी करने वाले दो आरोपियों को चेतगंज पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 6 लाख रुपए के टप्पेबाजी के आभूषण भी बरामद किए। घटना का राजफास करते हुए एसीपी चेतगंज गौरव कुमार ने बताया कि यह सफलता चेतगंज थाना प्रभारी निरीक्षक आशीष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम को मिली है। एसीपी ने बताया कि गत 9 जुलाई को मॉर्निंग वॉक पर निकली बुजुर्ग महिला को पिपलानी कटरा के पास उसके बेटे की मौत के बाद करके सभी आभूषण उतरवा कर एक रुमाल में रखवा लिया और झांसा देते हुए आभूषण वाले रुमाल की जगह छोटे छोटे पत्थर रखा हुआ रुमाल पीड़िता को पकड़ा दिया। एफआईआर के बाद चेतगंज पुलिस ने दरोगा अभिषेक कुमार त्रिपाठी, दरोगा सुफियान खान, दरोगा पार्थ तिवारी, सिपाही अभ्युदय सिंह और सर्विलांस के कांस्टेबल अश्विनी सिंह को लगाया था। टीम ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गदरपुर के ठंडा नाला गुलर भोज निवासी सैफ अली और मुजाहिर को गिरफ्तार किया है। एसीपी ने बताया गिरफ्तार आरोपियों के पास से टप्पेबाजी करीब 6 लाख रुपए मूल्य के गहने जिसमें एक चेन, लॉकेट के संग 4 कंगन, 2 अंगूठियां, 2 चांदी की अंगूठियां, 2 कान के टॉप्स, 2 टॉप्स कान बांधने वाली जंजीर, 1 काली बैग और 62 नग बरामद किया गया है। एसीपी ने बताया गिरफ्तार सैफ अली का पुराना आपराधिक इतिहास है। सैफ के ऊपर गोरखपुर के कैंट थाने में 2, गाजियाबाद कमिश्नरेट किंद्रापुरम ट्रांस हिंडन थाने में 3 और वाराणसी के चेतगंज में 1, कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं जबकि मुजाहिर हुसैन पर चेतगंज का पहला आपराधिक मुकदमा है। लोगों ने टीमें गठित की, सर्विलांस का सहयोग लिया। इंस्पेक्टर चेतगंज ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो टीम थी सुफियान और अभिषेक, पूरी टीम की बड़ी खास भूमिका रही। सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें हमने ट्रेस किया, दोनों अभियुक्तों को तब गिरफ्तार किया जब वो और एक घटना करने के फिराक में थे और इसके साथ साथ 100% बरामदगी हम लोगों ने की उनसे। लगभग 6 लाख से अधिक के जेवरात उनसे ठगी किए गए थे किरण से और हमने 100% की बरामदगी की है उसमें। क्या इनका सर आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, 2 हैं, एक सैफ है, दूसरा मुहाजिर है, मुजाहिर। इसमें सैफ का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। अभी और भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, हो सकता है अन्य प्रदेशों में भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, हम लोग अन्य आपराधिक इतिहास भी ट्रेस कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, गदरपुर थाना है उधम सिंह नगर के पास, वहाँ के रहने वाले निवासी। और ये टीम के नाम उसका पूछ लिया जाएगा और ये संबंधित अधिकारी गण के द्वारा किया जाएगा, तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा।